नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बैन टाइम्स में। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि वो चकमा हाजोंग मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि चकमा हाजोंग को एक अलग जगह पर बसाया जाएगा, क्योंकि अरुणाचल राज्यों को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है। आइए सुनते हैं चकमा और हाजोंग समुदाय के लोगों का क्या कहना है इस विषय में। कि इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो पिछले 7 सालों से वहाँ पे चकमा हाजोंग लोग रह रहे हैं, उनको कहाँ पे बसाया जाएगा। इस तरह का स्टेटमेंट हमारे लिए, हम इसको वेलकम नहीं करते, हम उनको कंडेम करते हैं पूरी बोर्ड दोनों कम्युनिटी की तरफ से। आपको ज्ञात होगा कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था। इस पाकिस्तान में चकमा समाज के चकमा कम्युनिटी के लोग, कुछ लोग यहाँ ये भारत में रह रहे थे और कुछ लोग इस पाकिस्तान में रह रहे थे। जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि परदादा लोग थे, उस समय 1964 में इस पाकिस्तान में चले गए। उनको ये पता नहीं था कि वो इस पाकिस्तान में चले गए। उन्होंने उस समय भारत का तिरंगा भी पहराया था, उससे 3 दिन तक पहराया कंटिन्यूसली। उसके बाद उनको बांग्लादेश के आर्मियों ने, जो कि इस पाकिस्तान के आर्मियों ने उनको मारा पीटा और वहाँ पे अत्याचार भी हुई है। उसी के सिलसिले में 16-17 सालों के बाद कांग्रेस को 1967 में ये एहसास हुई कि चकमा लोगों के साथ अन्याय हुई है, तो उन्होंने जब इंडो चाइना वार 1962 में चल रहा था, अरुणाचल में काफ़ी लंबे एरिया को इन्होंने कवर किया था चाइना आर्मीज ने, उस समय इनको ये लगा कि काली जगह भी काली है, तो वहाँ के 3 समुदाय जो मेजर कम्युनिटीज है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, कामती, चिंपो एंड तांगसा, उन कम्युनिटी के कंसल्टेशन से हमारे चकमा और हाजोंग कम्युनिटी को वहाँ पे बसाया गया है। एक ह्यूमन शील्ड की तरफ ये किया गया है। उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हुआ करते थे, तो इसके बाद एक डिफिनेट प्लान के साथ इनको वहाँ पे लाया गया है। उसके बाद 50 सालों के बाद भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पे आप लोग को नहीं रखा जाएगा, वो बहुत अन्याय होगा दोनों कम्युनिटी के तरफ, दोनों कम्युनिटी पर। और साथ साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि जो चकमा और हाजोंग को लाया गया है, वो डिफिनेट प्लान के साथ लाया गया है, और 1947 में जो अन्याय हुआ है, उन अन्याय को भरपाई करने के लिए कांग्रेस सरकार ने लाई है। और मुझे लगता है अगर इस समय 60 सालों के बाद भाजपा सरकार जो केंद्र में है और स्टेट में है, चकमा लोगों को और अभी जो जिस जगह से है उस जगह से दूसरी जगह में बसाते हैं दोनों कम्युनिटी को, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। और भाजपा सरकार और केंद्र में, क्योंकि राज्य और सेंट्रल में दोनों सरकारें हैं, जो चकमा और हाजोंग कम्युनिटी पे अन्याय होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो 2020 में ईटानगर में हमारे ऑनरेबल चीफ गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हमारे चकमा हाजोंग डेलीगेशन से बात हुई है, उस समय स्टेट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव थे हेमंत विश्व शर्मा जी भी थे, उन्होंने ये बात साफ सत्रों में कहा कि 2000 केंद्र सरकार हमारे इशू पे बहुत ही कंसर्न है, वो इशू सॉर्ट आउट होगा और विद इन द स्टेट। और मुझे लगता है और हमारे पूरी कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी चकमा और हाजोंग कम्युनिटी, इस पर अधिक है कि हम लोग को कहीं दूसरी जगह में ले जाना है तो आप लोग को गोलियों से भून कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पिछले 60 सालों से हमारे इमोशन जिस तरह अटैच है इस जगह से, हमारे परदादा लोग यहाँ पे मरे हैं, हमारे दादा लोग यहाँ पे मर गए हैं, हम यहाँ से कहीं जगह छोड़ के एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पेमा खांडू गवर्नमेंट का इंटेंशन चकमा और हाजोंग लोगों को रिलोकेट करना है, तो हम लोग रिलोकेशन का जोर शोर से विरोध करते हैं। आप सभी को पता है कि चकमा एंड हाजोंग को यहाँ पे अरुणाचल में आपका लास्ट आपका 60 ईयर से यहाँ पे बसाया गया है, तो यहाँ पे चकमा एंड हाजोंग को अरुणाचल के बाहर रिलोकेट करने का सवाल ही नहीं होता है, और ये नामुमकिन है, हो नहीं सकता है। यह बात तो सही है कि VFR एक्ट यहाँ के ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन
VFR एक्ट चकमा और हजोंग लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2013 में VFR केस जो आपसू द्वारा फाइल किया गया है उसमें कहा है, कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि चकमा और हजोंग लोगों को पॉलिसी डिसीजन के तहत अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया है, इसलिए चकमा और हजोंग लोगों के लिए ILP लागू नहीं होता है।